गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने जो कल पढ़ा था, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जाना था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें दिया हुआ है, उसका नेमिंग हम कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस लिखने के लिए बोला था कि कुछ प्रॉब्लम आप घर बना के देखेंगे, अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप पूछेंगे। जिसने भी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस किए हैं, प्रॉब्लम उसको पक्का आई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल थे। दो चार एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें प्रॉब्लम आनी लाजमी थी, जिनने भी करके देखा है। तो मेरे पास 5-7 प्रॉब्लम आई है, 5-7 बच्चों ने काम किया है, मुझे खुशी है इस बात की। देखिए वो प्रॉब्लम क्या है। पहला जो प्रॉब्लम का प्रश्न है वो मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। पहला जो प्रश्न है प्रॉब्लम का वो ये है कि पीटी प्लेटिनम, इसके साथ क्या है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, NO2 है, और उसके बाद क्या है इसके साथ है, NH3 है, और लास्ट में है इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। ये वाला कॉम्प्लेक्स है। पहला प्रॉब्लम देखिए, प्लेटिनम है, इसमें कितने लिगेंट हैं, 1, 2, 3 और 4 लिगेंट हैं। इसका नाम किससे स्टार्ट होता है, ए से। इसका नाम किससे स्टार्ट होता है, सी से। इसका नाम किससे, बी से। इसका नाम किससे, एन से। क्योंकि कोऑर्डिनेशन सफियर से इस साइड तो कुछ प्रेजेंट है नहीं, कोऑर्डिनेशन सफियर से इस साइड तो कुछ प्रेजेंट है नहीं, तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे, अब लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड का नाम देखो पहले क्या, अमाइन, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, अमाइन। इसके बाद क्या, ब्रोमाइडो। इसके बाद क्या, क्लोराइडो। इसके बाद क्या, नाइट्रो या नाइट्राइटो या नाइट्रो बोलते हैं, कोई बात नहीं, नाइट्राइटो बोल सकते हैं आप, नाइट्रो भी बोल सकते हैं। अब क्या, प्लेटिनेट, तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव है, तो आगे क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले भाई, इसको एक्स मान ले, इसका कितना -1, इसका क्लोरीन का कितना -1, NO2 का कितना -1, अमोनिया का कितना 0, इज इक्वल टू कितना -1, ये कितना हो गया -3, उस साइड जाएगा प्लस का 3, और -1 में से +3 गया तो एक्स कितना आ गया 2, प्लेटिनेट सेकेंड। पहला प्रॉब्लम ये था कि 4 लिगेंट दिए हुए थे, 1 से ज़्यादा अगर लिगेंट प्रेजेंट हैं तो हम उसको कैसे अरेंज करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उन लिगेंट्स को कैसे अरेंज किया जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। दूसरी प्रॉब्लम देखिए, जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि पीटी प्लेटिनम सीएल, उसके साथ है CH3NH2 और एक है NH3 होल ट्वाइस और आगे लिखा हुआ है क्या, सीएल। ये दूसरा प्रॉब्लम है जो आपने पूछा है, ध्यान दे बेटा थोड़ा सा। CH3NH2, इसका क्या नाम है, मिथाइल, और इसका क्या नाम है, अमीन, मिथाइल अमीन हो गया भाई इस लिगेंट का नाम। ऑर्गेनिक लिगेंट अगर कोई दिखे आपको तो उसका डायरेक्ट नाम लिखना होता है। ऑर्गेनिक का अगर कोई लिगेंट यहाँ लिख देता है, ऑर्गेनिक के भी लिगेंट हो सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो सारे क्या होते हैं, लिगेंट्स होते हैं, तो ऑर्गेनिक के भी लिगेंट्स हो सकते हैं। तो इसका क्या नाम हो गया, मिथाइल अमीन। कहाँ से शुरू हो रहा है, एम से। इसका ए से। इसका कहाँ से, सी से। पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, डाई अमाइन लिख लिया। उसके बाद क्या लिखोगे, क्लोराइडो। उसके बाद क्या लिखोगे, मिथाइल अमीन।
उसके बाद कैसा कॉम्प्लेक्स है, अगर इस साइड कुछ लिखा है तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकाल देंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इसकी कैसे निकालें, इसको एक्स, इसका कितना माइनस वन, इसके ऊपर जीरो, इसके ऊपर जीरो इज इक्वल टू कितना, प्लस कितना, माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन इस क्लोरीन का, टोटल एक्स कितना आ गया भाई, प्लस टू, ले भाई प्लस टू लिख दिया। ये दूसरा प्रॉब्लम है आपका, प्रॉब्लम नंबर तीन। प्रॉब्लम नंबर तीन और चार को बड़े ध्यान से देखना भाई, अलग टाइप का प्रॉब्लम है, हरियाणा बोर्ड में आज तक नहीं पूछा गया है, उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे ने पूछ लिया तो उसको क्लियर करना मेरा काम है। देखिए प्रश्न नंबर ये है प्लेटिनम और इसके साथ लिखा हुआ पी वाई फोर, और दूसरा है प्लेटिनम सी एल फोर। अगर जब भी दो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होंगे, जब भी दो कॉम्प्लेक्स दो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होंगे, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, PTPY4 एक क्या है PTCl4, दोनों का स्क्वायर ब्रैकेट अलग अलग है, दोनों ब्रैकेट में बंद है और साथ साथ हैं, तो उनके लिए लिखने का रूल जानिए। सबसे पहले ये जो PY है लिगेंड, ये है पायरिडीन, क्योंकि मैंने आपको मेन लिगेंट लिखवा दिए थे जो जर्नली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको सारे लिगेंट चाहिए तो उसकी लिस्ट मैं आपके पास आज सेंड कर दूंगा कि इतने टाइप के लिगेंट होते हैं, जर्नली यूज नहीं होते वो, तो इसका क्या नाम है पायरिडीन। अब ध्यान दे, ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका बताता हूं मैं, हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। बाकी तो नाम लिख देंगे कि टेट्रा पायरिडीन प्लेटिनम, और फिर क्या लिख देंगे, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इन कॉम्प्लेक्स के लिए थोड़ा सा टिपिकल वर्क है, ध्यान दे थोड़ा सा। जब भी दो मेटल दिखेंगे आपको, इन कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको कितने मेटल दिखेंगे, दो मेटल दिखेंगे। एक मेटल ऐसा होगा जिसकी आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं, जर्नली जो मोस्ट स्टेबल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो जानते हैं। प्लेटिनम जब चार में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होता है, ठीक है भाई। पायरिडीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, इसके ऊपर एक्स मान लेते हैं हम, एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निकाल देंगे। फिर कैसे निकाला मैंने, प्लस टू प्लस जीरो, इसको कहां रखते हैं इक्वल, एक्स किसके बराबर आ गया, प्लस टू के, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना गया, एक्स मीन्स इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस टू, तो इसके ऊपर भी पक्का कितना रहा होगा माइनस टू, क्योंकि तभी कॉम्प्लेक्स बना है, दोनों को पास पास लेके आए हैं तो चार्ज बैलेंस हुआ होगा, तभी ये पास पास आए होंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले, इसके ऊपर चार्ज पता चल गया कैसा है माइनस टू, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको मान लिया मैंने x, इसको कितना माइनस फोर इज इक्वल टू कितना माइनस टू, x बराबर कितना प्लस टू। ये है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका, बाकी लिखना मुश्किल नहीं है इसका नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट मुश्किल है। तो हम करते क्या है, जिस भी मेटल का हम ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं पहले से कि इस स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, उसको मान लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निकाल लेते हैं। एक के ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव आ गया तो दूसरे के ऊपर पक्का उतना नेगेटिव होगा, एक के ऊपर अगर मान लीजिए नेगेटिव आ गया तो दूसरे के ऊपर उतना ही पक्का पॉजिटिव होगा। अब इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या बताया, पायरिडीन है, कितने चार, टेट्रा पायरिडीन। पायरिडीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है भाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये पायरिडीन है। एक कार्बन को बेंजीन के एक कार्बन को किससे बदल दिया, नाइट्रोजन से बदल दिया, बेंजीन के एक कार्बन को नाइट्रोजन से बदल दिया, वही पायरिडीन बन जाता है, टेट्रा पायरिडीन प्लेटिनम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो नाम ऐसे कैसा, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, टू आया इसका। फिर इसका नाम लिखते हैं टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, क्योंकि कैसा कॉम्प्लेक्स है,
नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना भाई? सेकंड। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बात समझ में आ गई होगी कि हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं। आप और भी एग्जांपल करके देखना, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखना, मैंने जो तरीका बताया है उससे। अगर समझ में फिर भी नहीं आता है तो आप पूछेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपका, वो ये वाला एग्जांपल है P C6H5 whole thrice, फिर है PD, उसके बाद है CL, उसके बाद है CL, उसके बाद है CL, उसके बाद PD, PD और CL है यहाँ, और यहाँ क्या है P C6H5 whole thrice। ध्यान दे भाई, इनको बोलते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। आप इस टाइप के नेमिंग BSc फाइनल में पढ़ते हैं, जनरली केमिस्ट्री में जब आप BSc करते हैं तो फाइनल में आता है ब्रिजिंग लिगेंड का नेम। आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे मैं इसको क्लियर कर दूंगा कि आप अभी समझ जाएंगे, आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान दे भाई, पहले इस लिगेंड के बारे में जानते हैं कि लिगेंड कौन है। आपने ये पढ़ा था, मैंने लिखवाया था, क्या है ये? फॉस्फीन। ये क्या है? फॉस्फीन न्यूट्रल लिगेंड है, PH3। कल या परसों जब मैं लिखवा रहा था तो PH3 को मैंने क्या लिखवाया था? फॉस्फीन। अब इन तीनों हाइड्रोजन को किससे बदल दिया? C6H5 से। तीनों हाइड्रोजन को, तीन हाइड्रोजन की जगह क्या लिख दिया? C6H5 whole thrice। एक हाइड्रोजन हटाया, C6H5 लगाया, दूसरा हाइड्रोजन हटाया, C6H5 लगाया, तीसरा हाइड्रोजन हटाया, C6H5 लगाया, फिर ब्रैकेट करके मैंने तीन लिख दिया। इसका क्या नाम होता है? बेंजीन होता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दे यहां से तो इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। फिनाइल तो इसका क्या नाम होगा? ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। इसका नाम होगा ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। एक तो ये बात हुई इस लिगेंड की, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन बोलते हैं इस लिगेंड को। कहीं भी देखे तो इसका नाम है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। अब ध्यान दे, ऐसे लिगेंड के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इतने पार्ट का नाम लिखेंगे, इसके बाद इस पार्ट का नाम लिखेंगे, इसके सबसे लास्ट में इस पार्ट का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले मेटल और लिगेंड में से किसका नाम लिखते हैं हम? लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड का नाम एक क्लोरीन है और एक ट्राई फिनाइल फॉस्फीन है, तो पहले क्या ले आएगा? क्लोराइडो, क्लोराइडो, इसके बाद ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, उसके बाद प्लेडियम, उसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? प्लेडियम। इतना नाम हो गया भाई, क्लोराइडो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, प्लेडियम। अब क्या लिखते हैं इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार ऐसे लगा के छोड़ देता हूं। अब इन, ये जो लिगेंड है इनको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड, कि ये ब्रिज बना रहे हैं दो मेटल के बीच में, उनको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। और उनको दिखाने के लिए हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दिखाने के लिए हम म्यू लिखते हैं। म्यू का मतलब है कि वो दो मेटल के बीच में ब्रिज बना रहा है वो लिगेंड। अगर दोनों क्लोराइड नहीं होते तो इसका नाम लिखते, इसका नाम लिखते। अगर दोनों अलग अलग होते तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते। दोनों एक जैसे हैं तो क्या लगा देंगे? डाई क्लोराइडो। अब फिर से इस साइड वाले का नाम लिखेंगे, इसमें कौन? क्लोराइडो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, प्लेडियम, प्लेडियम, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, प्लेडियम। अब क्या लिखना है इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। रूल बिल्कुल सेम एज इट इज हैं, बस जो बीच में जो लिगेंड आते हैं
दो मेटल के बीच में जो लिगेंड आते हैं उनसे पहले हम म्यू लगा के उनका नाम लिख दें, क्योंकि दो से ज्यादा नहीं मिलेंगे इस ब्रिज में, जो ब्रिज बना रखी है लिगेंड दोनों अलग अलग हो सकते हैं, या हो सकता है OH हो या Cl हो। तो Cl का नाम क्या है? क्लोराइडो। OH का नाम क्या है? हाइड्रोक्सो। जो पहले आएगा क्लोराइडो हाइड्रोक्सो, म्यू क्लोराइडो हाइड्रोक्सो दोनों सेम है तो डाई क्लोराइडो, बस इतना फर्क है। बाकी एज इट इज है नेमिंग, जो ब्रिजिंग लिगेंड है उनमें केवल उनसे पहले क्या लगा के लिख दें? म्यू लगा के लिख दें, पहले इसका नाम फिर ब्रिजिंग लिगेंड का नाम फिर इस साइड का नाम। अब हमारा काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें प्लेडियम का। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का दो तरीका है, लेकिन मैं आपको सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका बताता हूं। सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हम इस मेटल का क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके ऊपर कितना चार्ज? -1। इसके ऊपर कितना चार्ज? -1। इसके ऊपर कितना चार्ज? -1। इसके ऊपर कितना चार्ज? जीरो चार्ज। इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। इसको मैंने क्या एक्स मान लिया? इसके ऊपर कितना है? -1 है, क्योंकि इसी मेटल के साथ जुड़ा है। अब ध्यान दे भाई, इस क्लोरीन के ऊपर कितना है? -1 है। ये किस कितनी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है? दो मेटल के साथ। मीन्स हाफ इसके साथ शेयर किया होगा, हाफ इसके साथ शेयर किया होगा, -1/2। ऐसे इस क्लोरीन के साथ है, इस मेटल के हिस्से में कितना आएगा? -1 है, तो -1/2 इसके पास शेयर किया होगा, -1/2 इसके पास शेयर किया होगा, -1/2। ओवरऑल चार्ज ऊपर कुछ दिया हुआ नहीं है, कितना है? जीरो। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? +2। या कितना लिख दूंगा? +2। या कितना लिख दूंगा? +2। आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट ऐसे इसका निकालेंगे, ऐसे इसका निकालेंगे, इसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। इसके ऊपर कितना है? -1। इसके हिस्से में कितना आया? -1/2। इसके हिस्से में कितना आया? -1/2 इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू कितना? +2। यहां भी कितना लिख दूंगा? +2। एक तो तरीका ये है, सबसे अच्छा तरीका यही है। जो दूसरा तरीका है वो ये है, देखिए ध्यान दीजिए, वो ज्यादा बेटर तरीका है नहीं, वो समस्या कब आएगी मैं ये भी बताऊंगा उस केस में। कि मान लीजिए इसके ऊपर कितना है? -1 है। इसके ऊपर कितना है? +0 है। इसको कितना मान लिया? +x मान लिया। इसके ऊपर कितना? -1। इसके ऊपर कितना? -1। इसको कितना मान लिया? x। इसके ऊपर कितना? -1 इज इक्वल टू जीरो। 2x इज इक्वल टू कितना? -1। -1 -1 -1 -4 उस साइड जाएगा तो कितना? प्लस का 4। x इज इक्वल टू कितना? प्लस का 2। ये ठीक है, x का वैल्यू +2 आ गया, इस x का भी वैल्यू कितना आ गया? +2 आ गया। ठीक है, ये बात ये उस केस में ठीक है जब लिगेंट सेम है। इस मेटल के साथ भी लिगेंट सेम है, इस मेटल के साथ भी लिगेंट सेम है, तो ये मेथड अप्लीकेबल है, अदरवाइज इस मेथड से आंसर गलत आएगा। अगर आप दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे तो वो बेटर मेथड रहेगा, क्योंकि उसके हिस्से में, इस हिस्से में हो सकता है दोनों नेगेटिव हो, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और आ सकता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है जब लिगेंट क्या हो? अलग अलग हो। जब लिगेंट क्या हो? अलग अलग हो। तो जो मैंने मेथड बताया कि इस मेटल का हिस्सा निकालेंगे आप, इस मेटल का हिस्सा निकालेंगे, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे, तो बहुत ही अच्छा मेथड रहेगा। मान लीजिए बाई चांस यहां कुछ लिखा होता, Cl3 लिखा होता या Cl4 लिखा होता, टोटल माइनस कितना है? टोटल माइनस कितना है? चार है, तो दो माइनस इसको दे देते, दो माइनस इसको दे देते। इस ब्रैकेट के बाहर भी अगर कुछ लिखा है तो उसका भी आधा आधा हिस्सा करके, आधा हिस्सा इस मेटल को दे दें, आधा हिस्सा इस मेटल को दे दें, आंसर कभी गलत आएगा ही नहीं। आप करके देख लेना, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं आपकी किताब में दो चार, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसा आज तक हरियाणा बोर्ड वाले ने नहीं पूछा है, उसको नहीं आते ये नेमिंग। नेक्स्ट एक दो तो प्रॉब्लम और आई,
देखिए क्या प्रॉब्लम है, CO NH3 6, CO NH3 6 SO4 होल थ्राइस, CH3 NH6 SO4 होल थ्राइस, ये वाला प्रॉब्लम है। देखिए ध्यान से, किताब में दिया हुआ है, किताब में क्या दिया हुआ, गलत कर रखा है किताब वाले ने, थोड़ा सा उसको ठीक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 21 है ये, किताब वाले ने क्या दिया हुआ है, टेट्रा अमाइन या अमीन, लेकिन आएगा क्या हेक्सा, किताब में टेट्रा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, देख लिए, या 19 का ए पार्ट हो सकता है, 19 का ए पार्ट है या फिर तो, या क्वेश्चन नंबर 21 है ये, इन्हीं दो में से कोई एक क्वेश्चन है। तो किताब वाले लिखा टेट्रा अमाइन, उसको क्या कर लेंगे, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, इसको एक्स मान लिया, यहाँ प्लस कितना जीरो, क्योंकि अमोनिया के ऊपर कितना है जीरो, और इसके ऊपर कितना सल्फेट के ऊपर माइनस दो होता है, तीन के ऊपर कितना माइनस छह बराबर है जीरो, एक्स बराबर कितना प्लस सिक्स, और इसका नाम क्या है सल्फेट, एसओ फोर टू माइनस को क्या बोलते हैं भाई सल्फेट, एस यू एल पी एच ए टी ई हो गया नेमिंग। रूल को थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ नहीं है, किताब में दो चार पर्सन के आंसर थोड़े से गलत कर रखे हैं भाई, उसको ठीक कर लेंगे आप। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट है भाई, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट है, इसको आप ठीक करेंगे अपने बुक में, और जो किताब लेना है केमिस्ट्री का वो प्रदीप ये किताब भी लेनी है आपने। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आई किसी स्टूडेंट्स को कि CR NH3 5 OH फिर है CR NH3 5 और लास्ट में लगा हुआ है Cl5। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इससे सारी बात क्लियर हो जाएंगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैं कह रहा था कुछ इस साइड हो तो हम क्या करें, अब इस साइड भी आ गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लेंगे हम, बाकी तो हमें पता चल गया कि क्या करना है, पहले इस साइड वाले का नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, इसका नाम क्या लिखेंगे पेंटा अमाइन, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है भाई, पेंटा अमाइन क्रोमियम, क्रोमियम क्योंकि इस साइड कुछ है तो पक्का पॉजिटिव है क्रोमियम, फिर क्या लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर अगर कोई ब्रिजिंग लिगेंड है तो उसको किससे दिखाना है म्यू से, इसका नाम क्या है नेगेटिव लिगेंड है हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो बोलते हैं इसको, और फिर से क्या लिखना है ये लिगेंड का नाम पेंटा अमाइन क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट और क्लोराइड, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या लास्ट में क्या लिख देना है क्लोराइड, क्योंकि लास्ट वाला चाहे पांच हो छह हो सात हो एक हो दो हो उसका क्या लिखते हैं हमें ऑलवेज सिंपल नेम लिखते हैं। तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, देखिए भाई जो मेरा तरीका है मैं उसी से निकालूंगा, जो लोग एक्स मान के निकालते हैं कुछ मास्टर जी इसको डायरेक्ट निकालते हैं, लेकिन वो तरीका कई बार फेल हुआ है तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारा तरीका फेल हो। देखिए इसको क्या मान लिया मैंने एक्स मान लिया, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है अमोनिया के ऊपर प्लस जीरो, इस हाइड्रोक्साइड OH के ऊपर कितना माइनस होता है भाई एक माइनस, अब एक माइनस है तो आधा इसके पास रहा होगा, आधा किसके पास रहा होगा इसके पास रहा होगा, तो कितना माइनस वन बाई टू। अब देख पांच क्लोरीन है इसके ऊपर कितना माइनस रहा है पांच माइनस, तो इसका अगर आधा आधा करेंगे तो फाइव बाई टू इसके हिस्से में आएगा माइनस फाइव बाई टू इसके हिस्से में आएगा इज इक्वल टू कितना जीरो, ऐसे इसका निकाल देंगे इसका कितना x, यहाँ से कितना आया माइनस वन बाई टू और इसके हिस्से में यहाँ से कितना आया फाइव बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो लिगेंट अगर यहाँ अलग अलग होते तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट गलत होगा ही नहीं। अब इसका आंसर कितना आएगा x माइनस कितना कितना भाई टू या थ्री,
कितना 1 माइनस 5 कितना माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू कितना भाई प्लस 2, यहाँ भी लिख देंगे प्लस 2, यहाँ भी लिख देंगे क्या प्लस 2 लिख देंगे भाई। नहीं भाई ध्यान दे एक बार इसको सोल्व करे, एक्स इसका एलसीएम कितना 2 माइनस 1 और माइनस 5 कितना माइनस 6 होगा भाई, माइनस 6 डिवाइड बाय 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स कितना आएगा प्लस 3, इसका कैलकुलेशन जब करेगा तो एक्स कितना आएगा भाई प्लस 3, क्योंकि क्रोमियम प्लस 3 में स्टेबल होता है, जनरली क्रोमियम का प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। ठीक है भाई समझ गए होंगे, मैं मान के चलता हूँ कि आप ब्रिजिंग लिगेंट वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं उनका नाम लिखना भी सीख गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। अब आप कोई भी ब्रिजिंग लिगेंट का नाम लिख कर देख लेना, आप लिख देंगे। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है, मैंने दो ब्रेकेट वाले भी आपको बता दिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, अब एक प्रॉब्लम और है लास्ट है ये सी आर NH3 2 Cl 2 ईन और लास्ट में लिखा हुआ है क्या Cl, लास्ट में क्या लिखा हुआ है Cl। ध्यान दे भाई कौन कौन लिगेंट है, एक अमाइन है, क्या है क्लोराइडो है, सी से शुरू होता है, और ये क्या है इथाइलिन डाइअमीन, ई से शुरू होता है, ईन का क्या नाम है इथाइलिन डाइअमीन। तो अब लिखना शुरू कर दे, पहले कौन आएगा डाइअमाइन डाइक्लोराइडो इथाइलिन डाइअमीन क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या क्लोराइड ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दे भाई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दे, एक्स प्लस कितना 0 माइनस कितना 2 प्लस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स कितना आ गया 3 आ गया, क्योंकि क्रोमियम की जनरली 3 आएगी, 2 कहीं नहीं दिखेगी, आप क्रोमियम जहां भी देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 3 ही मिलेगा, क्योंकि 3 ज्यादा स्टेबल होता है। निकिल का देखेंगे जनरली 2 मिलेगा, प्लेटिनम का देखेंगे जनरली की बात कर रहा हूँ, चेंज हो सकता है, प्लेटिनम का जनरली 2 मिलेगा या फिर प्लस 4 मिलेगा। ठीक है तो इसी के साथ आपकी जो प्रॉब्लम है वो समाप्त होती है, एक दो प्रॉब्लम और हैं वो मैं अपने आप मर्जी से बता रहा हूँ आपको कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जब हम 8 लगाते हैं तो 2-3 मेटल ऐसे हैं कि 8 लगाने से उनका नाम चेंज हो जाता है, तो उनका नाम देखेंगे, एक तो आयरन है, पहला तो आयरन है, आयरन का क्या बन जाता है 8 लगाने के ऊपर फेरेट, आयरन के 8 लगाने से क्या बन जाता है फेरेट बन जाता है, देखो नाम से थोड़ा सा चेंज हो गया। ऐसी मेटल बता रहा हूं मैं 2-3 जिनका नाम चेंज हो जाता है, एक है सिल्वर, सिल्वर एजी, सिल्वरेट नहीं बनता, इसका बनता आर्जिनेट, GENATE इसका नाम बनता है आर्जिनेट, जहां भी सिल्वर होगा उस कॉम्प्लेक्स का ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो सिल्वर के ऊपर एट लगा के आप सिल्वरेट नहीं बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे आर्जिनेट बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही कुछ कई बार एग्जाम में पूछा गया है और नहीं पूछे गए हैं। पीबी को प्लम्बेट बोलते हैं, पीबी अगर लेड है तो इसको प्लम्बेट बोलते हैं, और गोल्ड है AU, अगर गोल्ड है तो उसको बोलते हैं आर्वेट, लेकिन जनरली एग्जाम में ये 2 यूज होते हैं, नीचे वाले 2 यूज नहीं होते, ये उस समय की बात कर रहा हूं जब 8 लगाना होने, तो लेड बोलेंगे, सिल्वर बोलेंगे, आयरन बोलेंगे अगर पॉजिटिव चार्ज है, 0 कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, या फिर अगर नेगेटिव चार्ज है 8 लगाना हमें, तो आयरन का नाम फेरेट, सिल्वर का नाम आर्जिनेट, लेड का नाम प्लम्बेट और AU का नाम ऑरेट। ठीक है
अब नेमिंग में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आज मैं आपके पास वो प्रॉब्लम सेंड करूंगा जो हरियाणा बोर्ड में पूछी गई है। आज आपको वो प्रॉब्लम से मिलवाएंगे। बहुत इजी पूछता है, आपको भी पता चल जाएगा कि हरियाणा बोर्ड वाला क्या पूछता है और हमने क्या पढ़ा है। कहते उसमें एक दो डेफिनेशन और जोड़ते हैं क्योंकि हम नेमिंग सीख गए, कॉम्प्लेक्स के बारे में जान गए, तो अब ज्यादा समझ में आएंगी वो डेफिनेशन। एक है होमो न्यूक्लियर एंड पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। होमो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, होमो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? होमो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिन कॉम्प्लेक्स में एक मेटल प्रेजेंट होता है। द कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन मेटल इज प्रेजेंट इज नोन एज होमो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर का मतलब मेटल, मेटल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। जिन कॉम्प्लेक्स में एक ही मेटल प्रेजेंट हो उन कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? होमो न्यूक्लियर बोलते हैं। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, FeCN6K4, ये होमो न्यूक्लियर है क्योंकि इसमें कितना मेटल है? एक मेटल है। पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इसका नाम आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो, मेन से द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन मोर देन वन मेटल इज नोन एज पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। जिस प्रकार आपने आज ही पढ़े दो तीन एग्जाम्पल, PC6H5 होल थ्राइस, PD, फिर यहाँ Cl था, यहाँ Cl था, यहाँ Cl था, यहाँ क्या था? PD था, यहाँ PD था, यहाँ क्या था? Cl था, यहाँ क्या था? PC6H5 होल थ्राइस। कितने मेटल है? दो मेटल है। तो ये एग्जाम्पल कैसा हो गया? एग्जाम्पल किसका हो गया? पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का। दूसरी डेफिनेशन नीचे और डेफिनेशन बता रहा हूं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा है हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एक होमोलेप्टिक और एक हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ध्यान दे भाई, वो कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर एक तरह के ही लिगेंड प्रेजेंट हैं, द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ऐसे बहुत सारे आपने एग्जाम्पल पढ़े, FeCN6 4- किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? होमोलेप्टिक का, क्योंकि CN एक जैसे लिगेंट है। अगर लिगेंट अलग अलग है, आपने बहुत सारे नेम पढ़े हैं लिगेंट अलग अलग के, आज भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए जिसमें चार लिगेंट अलग अलग थे, जिसमें छह लिगेंट अलग अलग थे। जो लास्ट वाला एग्जाम्पल आपने किया CrNH3 Cl2En, ये किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंट प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंट प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंट प्रेजेंट है, इसलिए कैसा है? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब आपको एग्जाम्पल याद नहीं रखते, अपनी मर्जी से आप हजार एग्जाम्पल बना सकते किसके? होमोलेप्टिक के और हेट्रोलेप्टिक के, क्योंकि हमने नेमिंग जान लिया, कॉम्प्लेक्स के बारे में जान लिया, डेफिनेशन में पहले भी बता सकता था, ये ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं बता सकता था, लेकिन अब ज्यादा समझ में आएंगे क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में जान लिया कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं? कैटायनिक, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो। द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इज नोन एज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन नो चार्ज इज नोन एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल देख भाई, CO NH3 6, इसका नाम लिखने की कोशिश करना, 3 पॉजिटिव। एनायनिक का अभी अभी दिया था, FeCN6 4- और न्यूट्रल NiCO4, कोई चार्ज नहीं है, कैसा कॉम्प्लेक्स है?
न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, बस नेम से ही है डायरेक्ट कि कौन सा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है। एनायनिक है तो उस कॉम्प्लेक्स का नेम का मेटल को एंड कर देते हैं एट से, कैटायनिक है तो एंड कर देते हैं, कैटायनिक और न्यूट्रल है तो मेटल का नाम एज इट इज लिखते हैं। अब भी अगर नेमिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो वो कल पूछ सकता है भाई, कल दोबारा एक क्लास और ले देंगे नेमिंग का। लेकिन नेमिंग सबको आ जाना चाहिए, हरियाणा बोर्ड में पिछले 2-3 साल से 3 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि कोई 3 नाम लिख देता है और उसका हमें IUPAC नाम लिखना होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।